नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी स्लीव की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। इस लेस के साथ में और आप अलग अलग फैब्रिक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने स्लीव को कट किया हुआ है। ये स्लीव की लेंथ हमने ली है यहाँ पर 16.5 इंच की है और यहाँ पर हमें नीचे से 2.5 इंच पर मार्क करना है और उसे कट करना है। इसे कट करने के बाद इन दो पार्ट्स के बीच में हमारी लेस का हिस्सा आएगा। तो यहाँ ये हमारी स्लीव का हिस्सा हम ये ओपन करते हैं। ये राइट साइड है हमारा और लेस हम लेंगे यहाँ पर। ये लेस हमारी इस तरह से है और यहाँ पर इसके नीचे के हिस्से में इसको हम प्लेस करेंगे। इस तरह से ये आएगी। तो यहाँ इसका जो लेस का राइट साइड है वो अंदर की ओर फेस कर रहा है और ऊपर जो दिख रहा है रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर एक स्ट्रिप लेनी है हमें। ये स्ट्रिप इसकी फिनिशिंग के लिए रहेगी और यहाँ पर इन तीनों के ऊपर सिलाई लेनी है हमें। नीचे स्लीव है, स्लीव का राइट साइड है, फिर लेस, फिर ये स्ट्रिप। यहाँ ये सिलाई होने के बाद इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से ये दोनों साइड से ये पट्टी को जब रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे ये लेस हमारी इस तरह से बाहर आ जाएगी। ये राइट साइड और ये रॉन्ग साइड और ये जो पट्टी हमने ली है इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई देंगे। तो रॉन्ग साइड में ये यहाँ पे स्टिच लेने हैं। इस तरह से नीचे के हिस्से में ये लेस यहाँ पर अटैच होगी और ये फिनिशिंग के साथ में बाहर आ जाएगी। और ये हमारा रॉन्ग साइड रहेगा और ये राइट साइड। राइट साइड में इस तरह से ये लेस यहाँ पर अटैच हुई है। अभी ये इसके नीचे का जो पार्ट है स्लीव का जो हमने कट किया था वो यहाँ पर वापस इसके साथ में अटैच करना है। लेस का नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर इसके ऊपर ये अटैच करना है। इसके लिए स्लीव को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ये यहाँ पर दोनों अंदर की साइड में राइट साइड का जो पोर्शन है वो एक दूसरे से फेस कर रहा है और लेस के ऊपर हमने ये स्ट्रिप ली है। इस तरह से इन तीनों को मिलाकर वापस सिलाई लेंगे। यहाँ पर देखिए अभी ये राइट साइड है हमारा और ये रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में ये दूसरी जो स्ट्रिप अभी है इसको भी हमें फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लेनी है। जैसे हमने पहले यहाँ पर ली है अभी दूसरी साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई ले ली है और ये हमारा रॉन्ग साइड और राइट साइड में ये स्लीव के बीच में हमारी लेस आ जाएगी यहाँ पर। अभी इसके नीचे हमें वापस ये एक लेस के पीस को अटैच करना है। ये वैसे ही करना है जैसे हमने पहले की है। यहाँ पर लेस को इस तरह से स्लीव के ऊपर राइट साइड में रखेंगे और एक स्ट्रिप लेंगे। इसकी स्ट्रिप के ऊपर सिलाई लेकर फिर वापस इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करना है और इसको फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लेनी है जिससे ये स्लीव की यहाँ पर फिनिशिंग हो जाए। यहाँ पर ये लेस तीनों साइड में फिनिशिंग की हो गई है। अभी
सबसे नीचे के हिस्से में हमें लेनी है फिल। इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है पिंक कलर का, और यहाँ पर मेज़र करना है कि आपकी जो स्लीव का नीचे का जो हिस्सा है, स्लीव की विथ वो कितनी है। यहाँ पर ये हमारी स्लीव की विथ इस तरह से 14.5 इंच की है, लगभग 14 इंच की। दोनों साइड में 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन है, और इसके बीच के हिस्से में हमारी फिल आएगी यानी कि प्लीट्स आएगी। तो उतना यानी 11 इंच की हिस्से में हमारी प्लीट्स आएगी, तो लगभग 33 इंच लंबी हमें ये स्ट्रिप चाहिए ही चाहिए। और स्लीव की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच की। इस तरह से फोल्ड करके शुरू का हिस्सा हम प्लेन रखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर प्लीट्स लेंगे। इस तरह से प्लीट्स लेनी है और ये स्ट्रिप रेडी करनी है। जब भी आप प्लीट्स लेते हैं तो उसके लिए जहाँ के लिए भी आपको प्लीट्स बनानी है उसका 3 गुना लीजिए, तो आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा और वो प्रॉपर आएगी प्लीट्स। इस तरह से ये हमारी फिल की स्ट्रिप बन गई है, और इसे हमें यहाँ पर राइट साइड में ऐसे प्लेस करना है और इसके ऊपर सिलाई लेनी है। यहाँ जो हमने प्लीट्स बनाने के लिए सिलाई ली है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई ले ली है, और उसके बाद में अगर आपकी मशीन में जिगजैग का फीचर है तो यहाँ पर हमें जिगजैग की स्टिच लेनी है। जिगजैग की स्टिच लेने के बाद यहाँ पर इस सिर को हमें टर्न करना है। इस तरह से ये जो सिलाई का मार्जिन है वो नीचे की ओर ही रहेगा, हमें यहाँ पर सिर्फ ये प्लीट्स है उनको नीचे की ओर लेना है इस फिर को, और इसके ऊपर सिलाई लेनी है। सिलाई हम इस तरह से लेंगे जहाँ से ये प्लीट्स हमारी और है, इस तरह से प्लेस करनी है और फिर इसके ऊपर सिलाई लेंगे। तो ये बीच में अटकेगी नहीं जब हम सिलाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी हमने सिर के नीचे की ओर ही रखा है, इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है इस तरह से सिलाई लेना, और फिर को बराबर सेट करके इसके ऊपर सिलाई लेंगी। इस तरह से ये हमारी फ्रिल यहाँ पर अच्छे से अटैच हो गई है। इसका जो मार्जिन है इस लेस के बीच में नहीं दिखेगा, वो नीचे की ओर दब गया है, और ये नेट की जो लेस है इसकी फिनिशिंग बरकरार रहेगी इस तरह से। तो ऊपर की साइड की जो फिनिशिंग है वो हमने स्ट्रिप से ली है, और नीचे की साइड में है तो उसका हमने जिगजैग लेकर नीचे की साइड में एक टॉप की स्टिच दी है, और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन के रेडी है। आप इसके बीच में और भी कुछ वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, कोई बटन्स या कुछ पर्ल के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर, बाय बाय।